और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट में बूम आ रखा है। हर डे बाय डे हमारे को नई नई गाड़ियां देखने के लिए मिलती है। उसी में से अभी लेटेस्ट लॉन्च है ओकिनावा की तरफ से आने वाला ओकी 90। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे ओकिनावा की ओकी 90 वर्सेस ओला की तरफ से आने वाली ओला S1 Pro को। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे दोनों में हमारे को कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और कौन कौन से फीचर्स जो है हमारे को मिसिंग मिलते हैं। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसको कंपेयर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक और बॉडी टाइप की। तो ओकी 90 जो एक ट्रेडिशनल स्कूटर डिजाइन पे है, बट आपको इसमें लार्ज व्हील साइज देखने के लिए मिलेगा जो कि इसकी लुक को काफी डिफरेंट कर देता है। मौजूदा मार्केट में ये स्कूटर जो है बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं ओला S1 Pro जो है वो आपको एक स्कूटर लुक में लगेगा, बट जो उसका लुक है मीन्स उसका जो फ्रंट लुक है वो एक रोबोटिक लुक देखने के लिए मिलता है जो कि काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके टायर साइज की। तो आपको ओकी 90 में 100/80 का टायर देखने के लिए मिलेगा जो कि 16 इंच के ट्यूबलेस टायर पे लगा हुआ है। वहीं ओला S1 Pro में 110/70 का टायर देखने के लिए मिलेगा जो कि 12 इंची व्हील में आपको देखने के लिए मिलता है। रेयर में आपको 120/80 का टायर देखने के लिए मिलेगा ओकी 90 में, और वहीं ओला S1 Pro में 110/70 का टायर देखने के लिए मिलेगा सेम अलॉय व्हील मींस 12 इंची अलॉय व्हील में, और दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बात करूं अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की, तो दोनों गाड़ियों में आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियां जो है हमारी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करती है जो कि फ्रंट और बैक व्हील दोनों में काम करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन टाइप की। तो ओकी 90 में आपको फ्रंट में हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, वहीं ओला S1 Pro में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करूं मैं ओकी 90 के बैक सस्पेंशन टाइप की, तो वहां पे आपको डबल शॉकर विद ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, और इसके कंपैरिजन में ओला S1 Pro में आपको सिंगल शॉकर जो कि हॉरिजॉन्टली माउंटेड है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करूं अगर मैं स्पीड क्लस्टर की, तो ओकी 90 में आपको बेसिक इन्फो देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे आपको स्पीड, रेंज, मोड, GPS देखने के लिए मिलेगा। वहीं ओला S1 में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 7 इंची की TFT स्क्रीन जिसमें आपको फुल्ली फंक्शनल लोडेड है, मीन्स आपको सारे ही फंक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, स्पीड, रेंज, मोड, GPS, म्यूजिक, और इवन आप लॉक और अनलॉक भी आप अपनी गाड़ी को इसी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं अगर मैं मोटर की, तो ओकी 90 में आपको 38 वॉट का मोटर देखने के लिए मिलता है जो कि सेंट्रल माउंटेन मोटर है जो कि एक बेल्ट ड्रिवन मोटर है, और ये मोटर आपकी IP65 रेटेड है। वहीं ओला S1 Pro में आपको मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलती है जिसका पीक पावर जो है वो 8500 वॉट का है। ये एक मिड ड्राइव मोटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपकी बैटरी। तो यहाँ ओकी 90 में आपको 3.6 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो कि सबसे अच्छी बात है कि डीअटैचेबल बैटरी है जो कि आप कहीं पे भी ले जाके इसे चार्ज कर सकते हैं। वहीं ओला S1 Pro में आपको 3.97 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी देखने के लिए मिलती है जो कि नॉन डीअटैचेबल है। इसके बाद बात करूं अगर मैं रेंज की, तो ओकी 90 में आपको इको मोड में 200 किलोमीटर तक की रेंज देखने के लिए मिलती है जो कि अभी तक एक कंपनी क्लेम है, क्योंकि ये गाड़ी देखिए अभी किसी के पास आई नहीं है, इन गाड़ियों की डिलीवरीज चालू नहीं है, तो अभी हमें देखना है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये एक्चुअल रेंज कितनी निकाल के देती है। बट अगर मैं बात करूं वहीं ओला S1 Pro की जो कि अभी प्रैक्टिकली वर्ल्ड में भी हमारे को देखने के लिए मिलती है, तो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में इसकी जो रेंज है इको मोड में वो आपको 130 किलोमीटर की रेंज जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसके बाद बात करूं अगर मैं बूट स्पेस की, तो ओकी 90 में आपको 40 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। वहीं ओला S1 Pro में भी आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है जो कि 36 लीटर का बूट स्पेस है। इसके बाद बात करूं अगर मैं स्टैंड की, तो ओकी 90 में आपको दोनों स्टैंड देखने के लिए मिलते हैं। देखिए किसी भी गाड़ी के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए या हो चाहे पेट्रोल व्हीकल के लिए हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके स्टैंड। लाइक अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई है तो आपको मिडल स्टैंड की ज़रूरत होती है कई बारी, जो कि आपको ओला S1 Pro में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट वही चीज़ आपको यहाँ ओकी 90 में देखने के लिए मिलेगा। ओकी 90 में आपको दोनों के दोनों स्टैंड देखने के लिए मिलेंगे, आपको मिडल स्टैंड भी देखने के लिए मिलेगा, आपको साइड स्टैंड भी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करूं अगर मैं एडिशनल फीचर की, तो आपको दोनों ही गाड़ी में सारे एडिशनल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। लाइक आपका एंटी थेफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, GPS कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, इसके साथ साथ आपको अपनी आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलेगी जो कि एप्लीकेशन बेस्ड कनेक्टिविटी होती है, वो आपको ओकी 90 में भी देखने के लिए मिलेगी, वही आपको ओला S1 Pro में भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों के लिए आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद बात करूं मैं अगर बुकिंग की और डिलीवरी की, तो मैं बताना चाहूंगा ओला S1 Pro की जो नेक्स्ट विंडो है, बुकिंग विंडो,
वो भी चालू हो गई है, और वहीं ओकी 90 की बुकिंग्स भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ओकी 90 में हमारे को 3 मंथ का बुकिंग टाइम देखने के लिए मिलता है, और ओला S1 प्रो के लिए गाइज आप जानते हैं लास्ट टाइम का, तो इसलिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो गाइज ये था कंपैरिजन ओकी नावा ओकी 90 वर्सेस ओला S1 प्रो, और इसी तरह के कुछ नए कंपैरिजन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में अपडेट रहें।